मॉर्निंग दोस्तों, कसे आहात? मजेत ना? मजेदार चला पाहिजे. आज है संडे और हम लोग जा रहे हैं राइड पे. कपल राइड है, सिर्फ हम दोनों नहीं है और भी दो बाइकर्स है जो कि कपल ही है. तो राइडर्स को ना बहुत बार मिल चुके हैं, एक है रोहन और दूसरा है समीर. तो समीर अपने वाइफ के साथ आ रहा है, रोहन अपने वाइफ के साथ आ रहा है, मैं अपने वाइफ के साथ. ऐसा तीन कपल की राइड है आज. तो हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से 98 किलोमीटर दूर है भिगवन, तो वहाँ भिगवन पे जा रहे हैं. जब तक हम लोग पहुँचेंगे मुझे नहीं लगता है कि हम लोग को बर्ड्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत लेट हो गए हम लोग. 6:30 तो हो गया है यहाँ पे. हम लोग का प्लान था 6:30, थोड़ा सा अर्ली निकलने का, लेकिन जो मीटअप पॉइंट है वो मेरे लिए नज़दीक है, इन लोग के लिए थोड़ा सा लंबा है, तो इसके लिए थोड़ा सा लेट होने वाला है. तो रोहन ने पहला ही फ़ोन करके बोला था उसको थोड़ा लेट होगा. तो समीर पहुंच गया है लोकेशन पे और हम लोग भी पहुंच रहे हैं अभी. ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं. हम लोग पहुंच गए थे लोकेशन पे. तो समीर है, समीर की वाइफ भाभी और मीनाक्षी. तो हम लोग निकल रहे हैं आगे. रोहन आ रहा है पीछे से, वो थोड़ा सा लेट हो गया है, तो हम लोग आगे जा रहे हैं, वो आके हम लोग को कैच करेगा. चलो मिलते हैं फिर रोड पे. तो गाइस अभी हम लोग आगे निकल पड़े हैं. हम लोग रुके थे यहाँ पे, एक 5-10 मिनट का ब्रेक लिया. रोहन भी आ गया, तो आगे निकल पड़े अभी. डेस्टिनेशन है वो 30 किलोमीटर तक. फाइनली हम लोग पहुँच गए भिगवन. ये जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं फ्लेमिंगो वॉचिंग सेंटर ना. फ्लेमिंगो क्या था? फ्लेमिंगो पॉइंट. वॉचिंग सेंटर नहीं, वॉचिंग सेंटर आ जाएगा नहीं तो. ये बोल रही है कि ना यहाँ पे आके कपड़ा भी धो सकते, वॉशिंग सेंटर भी है, गाड़ी भी धो सकते हैं, कपड़ा भी धो सकते हैं, सब चीज़ धो सकते हैं. वहाँ से भी वोटिंग होगी. एक काम करते हैं, हम लोग इधर लगा देते हैं अंदर, क्या बोलते हैं? अभी बार्गेनिंग चालू है फ्लेमिंग को देखने के लिए जाने के लिए. तो ये कर रहा है बार्गेनिंग. आज की सवारी कुठे इकड़े होगा. तो सफारी में रोहन, वेरोनिका, समीर बैठा है, चिकल भाभी बैठी है. ये देखो, तो सफारी चालू हो गया हम लोग का, बोट सफारी. और अभी तक फ्लेमिंगो तो एक भी नहीं दिखा दिया. बाघ आजू बाजू में है, लेकिन जहाँ पे हम लोग को जाने का देखने के लिए वो देखने का बाकी है. जाएंगे तभी मालूम करेगा. पहुंच गए फ्लेमिंग को देखने के लिए. तो ये ब्रिज है, ये ब्रिज क्रॉस करके जा रहे हैं डायरेक्ट वेनिस ले जाएगा. हां, वेनिस.
तो हम लोग का हो गया है बोटिंग, तो बहुत ही थक गए, बहुत ही ज़्यादा धूप है, तो अभी निकल रहे हैं, आगे जाके कुछ तो खाते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, फिर बाद में मिलते हैं ना, ब्रेकफास्ट करेंगे ना। ये ऑन तो कर, ऑन नहीं किया तूने, अगर तो कनेक्ट कर रहे थे इसके लिए थोड़ा सा टाइम, बस पूरा सीट गर्म हो गया, गर्म। तो यहाँ पे भक्ति शक्ति करके रेस्टोरेंट था बिग वन में, वहाँ पे हम लोग ने किया है नाश्ता, ब्रंच हो गया ना, क्या है ब्रंच हो गया है, और हम लोग निकल पड़े आगे। चलो अभी बजे है दोपहर के 12:30, तो पहुंचने के लिए टाइम जाएगा, 1-2 घंटे लगेंगे अभी पहुंचने के लिए यहाँ से, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो गया अभी, अराउंड 34 डिग्री है अभी का यहाँ का टेम्परेचर, 34 या 38 कुछ तो है, दोपहर को 41 तक जाने वाला है ये। तो आज की जो ट्रिप है वो आ गई है ख़त्म, तो होने आ गई है ख़त्म, अभी तक पहुँचे नहीं हम लोग घर पे, मैक्सिमम 1.5 से 2 किलोमीटर रहेगा घर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आगे के जो वीडियो आएंगे ना वो सब अपने अपने लॉन्ग राइड, जो अपनी ड्रीम ट्रिप है उसके रहेंगे।